अभी हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर जो कि अभी नया बना है, ये देखिए। और धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी टाइम कितना बजा है, कितने बजे, 2:15 हुआ है, लेकिन है ही नहीं धूप। ये देखो मम्मी डैडी इधर, चलो। अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ा गणेश मंदिर, वो है गेट नंबर 5 के वहाँ पे। सो उसी के ढूंढ ढूंढते अभी जा रहे हैं। अभी हम लोग, डैडी इधर पीछे है, मम्मी आगे, चलते हैं। सो यहाँ पे है श्री बड़ा गणेश मंदिर, और यहाँ पे पूर्वी ले रही है प्रसाद। 100 ग्राम 50 रुपीज़, 200 ग्राम 100 रुपीज़, 500 ग्राम 201 किलो 400 रुपीज़ का। हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं न्यू निराला फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे मुल पड़ दे तो मैं बोले, क्योंकि इसमें ना ये सब भी है, दाल बाफला जो कि फेमस होता है, ये सब भी है। देख इन लोग ना बीच बीच में सब चेंज करते रहते हैं। बोल कौन सा, तो अभी इन लोग को चेंज होते जा रहे हैं, कन्फ्यूजन होते जा रही है। नहीं गुरु रूपा घंटा वाला आगे भी है, कौन सा, हाँ यही है। सो हम आए हैं गुरु कृपा घंटा वाला रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया ये दाल बाफला बाटी लड्डू थाली। इसमें दाल, दो बाफला, दो लड्डू, कढ़ी, रायता चावल, वेज सब्जी, सलाद और पापड़। अब हम लोगों ने ऑर्डर किया है रेगुलर थाली, ये वाला, देखते हैं कैसा टेस्ट है। गाइस अभी ऊपर बैठे हैं हम लोग, वैसे ऊपर नीचे सब फुल है इसलिए। तो ये है थाली, इसमें कुछ कुछ है, अभी क्या क्या है पता नहीं मेरे को, देख लो भाई आप लोग भी। ये मम्मी लोग का थाली है। सो गाइस हमारा आ गया दाल बाफला, और ये देखो कितना एलैबोरेट लग रहा है यार। इसके अंदर दो लड्डू भी रखे इन्होंने, देखो, और बहुत कुछ है। और पूर्वी को बोल रही है बस हो गया, बस हो गया। तो गाइस हम लोग गली गली से जा रहे हैं, अभी बीच में कंफ्यूज हो गए हम लोग किधर जाना है करके। यहाँ पे ना समझ नहीं आता, इतने सारे होटल से सब घर एक ही जैसे दिखता, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, सब एक ही जैसा घर, और ये सब दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कौन सा है। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए। हमने बोला कि चलो मार्केट सब थोड़ा घूम लेते हैं, और ठंडी भी थी इसलिए जैकेट वैकेट पहन लिया था हमने। मतलब मुंबई वाले को ज़्यादा ठंडी लगती है ना, जैसे दिल्ली वाले लोग को ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या ठंडी है, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ मुंबई में इतनी ठंड नहीं होती है। तो ये क्लिप में ना आवाज़ ही नहीं है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। मैं क्या बोल रही थी मुझे भी याद नहीं है अभी। तो सब लोग नीचे चले गए थे, और मम्मी और मैं लास्ट में आ रहे थे नीचे, बिकॉज वीडियो भी बनाना होता है, राइट। चले चलते हैं मार्केट घूमते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं छोटा सराफा बाजार, यहाँ पे भी है, होटल वाले ने बोला, जो कि 800 मीटर में ही है। तो थोड़ा सा गूगल मैप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेट्स सी किधर है अभी आगे जाके। अच्छा मैं जैकेट पहन लिया, ठंडी है यार। 600 मीटर चल के जाना है अभी हम लोग को छोटा सराफा बाजार, पूछ पूछ के जा रहे हैं हम लोग, मतलब मैप में भी देख रहे हैं। और देखो मम्मी का हालत इधर, पूरा जैकेट वैकेट पहन, डैडी ने उधर पहना है। सो वैसे तो सराफा जो बाज़ार है वो 600 मीटर ही था हमारे होटल से, तो हमने डिसाइड किया कि हम चल के जाएंगे, चल के थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे। लेकिन फिर डैडी बोले कि नहीं यार रिक्शा ले लेते हैं, बहुत कंटल आ रहा है चलने, एक तो ट्रैवलिंग भी करके आए थे तो थक गए, रिक्शा ही ले लेते हैं हम लोग। फिर रिक्शा ले लिया, रिक्शा में ये अच्छा है यहाँ पे है ना, चार लोग बैठ सकते हैं, चार या
छः भी बैठ सकते हैं। तो हम आए थे भगत जी मिष्ठान भंडार, पूर्वियों खाना था यहाँ पे, जो उसका फेवरेट है एकदम मूंग दाल हलवा, और वो अंदर जाते ही एकदम पागल हो गए थे, एक्सप्रेशन देख लीजिए, एकदम खुशी के मारे ना, क्योंकि उसमें जो घी है ना ऐसे ऊपर ही घी ऐसे दिख रहा था, एंड इतनी टेस्टी लग रही थी, रश भी था काफ़ी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई क्या क्या ले, इतने ज़्यादा वेराइटी और इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल के सब था ना। तो हमने पहले लिया मूंग दाल हलवा एंड आई थिंक ये अखरोट हलवा लिया था, ये ऐसे ही देखा, और अखरोट इतना ज़्यादा भर भर के था ना, और मम्मी लोग ने गरम दूध भी लिया था, बहुत टेस्टी था गाइस, ये जो मिठाई है ना और एकदम गरम और टेस्टी, इतना अच्छा और इतना घी, ऐसा लग रहा था कि बस मैं घी पी रही हूँ और कुछ नहीं। तो फिर से हमने जाके लिया, पूर्वी ने इस बार हमने लिया अखरोट हलवा फिर से और बादाम हलवा, दोनों इतने टेस्टी। अब वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और हम खा के निकल गए थे फिर डिनर करने। गाइस अभी खाने के लिए हम लोग आए हैं होटल रामकृष्ण सुदामा रेस्टोरेंट पे, और वेज ये हम लोग को टैक्सी वाले इन्होंने बताया कि क्या है कितना है, इन्होंने बताया कल के बारे में पूछ रहे हम लोग कितना लेंगे। मंगलनाथ काल भैरव सिद्धवट गढ़काली का भरतरी गुरु, हाँ, और वो एक घाट है ना, हर सिद्धि भी है, हर सिद्धि राम घाट, ये तो अलग है, सब अलग है, ये तो एक जगह चल जाओ राम घाट चल जाओ तो वहाँ से हर सिद्धि महाकाल वाकाल सबके दर्शन हो जाते। ये तो ये है पंडे, तो आप आओगे ये तो क्या आज ही उदगे फोन नंबर भी खड़ी भैया इतना बजे वो कार्ड नंबर ले ले फोन नंबर दे दे यार ले ले। सो गाइस ये आ गया डिनर, दाल फ्राई मिक्स वेज दो प्याज़ा रोटी और ये है चावल। कैसा लगा खाना? खाना तो अच्छा लगा, चलेगा 50 50 50। सब लोग भी जा रहे हैं, मतलब लाइट बंद बना लेते हैं एक बार, चेक लाइट है ना। गाइस हम लोग आ गए मंदिर के उधर, ये देखो मंदिर उधर है, अभी फिलहाल तो उधर बंद रखे हैं बिकॉज मंदिर का टाइमिंग है 6 बजे से 9:30 तक, तो बंद हो गए अभी। मम्मी को बस पूछना था कि बस मारती का लाइन लगती है कूपन्स के लिए कब है, तो उन्होंने सुबह वैसे 8 बजे से स्टार्ट होएगा कूपन मिलना आपको, लेकिन 300 लोगों को ही मिलता है, तो वही है कि आपको लाइन लगाना पड़ेगा, जैसे खुलेगा फिर जा सकते। सो अभी हम लोग चल रहे हैं होटल की तरफ, यहाँ पर सब बहुत कुछ है। अभी हम लोगों ने लिया है एक दुपट्टा, ये देखो ये दो दुपट्टा लिए, दुपट्टा मतलब शॉल लिया है, दिखाती हूँ आप लोगों को होटल जाके। काफ़ी भीड़ है यार, अभी भी 11 बज गया लेकिन फिर भी फुल खा रहे हैं पी रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं अभी क्या नहीं खा लेगा बहुत रंग। तो हम लोग आ गए रूम में, एक्चुअली हम लोग को दो रूम लेने का था लेकिन रूम्स ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ना एक हफ्ते पहले ही सब बुकिंग किया था, तो कोई भी होटल में अवेलेबल नहीं है और ऊपर से वीकेंड है। कैसा लगा छोटा सराफा बाजार? ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ दुकानें नहीं है वहाँ पे, सिर्फ 4-5 मिठाई का दुकान था और ऐसा कुछ। हाँ इससे अच्छा अपने इधर बाजू में, क्या नाम है झिल्लू कोट कोट क्या इसका गली का नाम क्या है भूल गए हंस रहे कोट मल्ला मोहल्ला कोट मोहल्ला करके है ना, यहाँ पे पूरा स्ट्रीट अभी भी चल रहा है खाने का, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अब टाइम हुआ है कितना अभी कुछ 12 बजे हुआ है ना, चलो टाइम कितना हुआ अभी 11:30, और अभी फेस वॉश भी करना है।